हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, पूरे दिन के नए संकल्प सजाती है। जिसने जाना है कि हर दिन होता है सुबह, जिसने जाना है कि हर दिन होता है सुबह, ये सुबह उसी को खूबसूरत बनाती है। ये सुबह उसी के खूबसूरत बनाती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अशोक कुवाल मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे कोरोना जाता सा नजर आ रहा है, केस भी काफी कम हो रहे हैं और नए साल में हमने दस्तक दे दी है। पिछले साल हमने बहुत पीड़ा, बहुत दर्द सहन किया, बहुत ही गम में गुजरे, तो हम उम्मीद करते हैं कि नए साल के अंदर हम खुशियों से भरपूर रहेंगे। ये नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। साथियों, नए साल को लेकर आपने भी कई सारे संकल्प लिए होंगे, उन पर विचार किया होगा आपने भी, लेकिन इन भारी भरकम संकल्प, इन भारी भरकम वादों, इन इरादों के फेर में आप उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें जो सचमुच में आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। आज बात छोटे और सहज सरल शुरुआती कदमों की करने जा रहे हैं, जो इस वर्ष में यदि आपने आदत में ले आए, यदि वो छोटे छोटे कदम आपकी आदत बन जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में ये बहुत ही अहम रोल होगा, बहुत ही अहम कदम होगा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन छोटे छोटे कदमों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी को जियोगे और आने वाले साल के अंदर अपने लक्ष्य को पाओगे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में इस कोरोना की महामारी के चलते हमारी जिंदगी एक ठहर सी गई है, लेकिन इस ठहरी सी जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें सिखाया है कि छोटी छोटी खुशियों को जीना कितना जरूरी है, सेहत को सहेजना हो या सुकून से अपनी झोली को भरना हो, ये ऐसे छोटे छोटे कदम ही हमारी बेहतरी के बड़े बदलावों की ओर लेकर जाते हैं। हर दिन की नई सहज सी कोशिशें आपको एक पर्सनालिटी में इंप्रूव करने की आपके बहुत बड़ा कदम साबित होती है। साथियों, मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर, जिनको अपनी आदत में डालकर इस साल आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, लोगों के दिलों में अपने प्रति जगह बना सकते हैं, अपना मान सम्मान, अपना व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। मैं मात्र गिनती की सात ऐसी टिप्स बता रहा हूं। यदि उन टिप्स को आपने अपने जीवन में अपनी आदत के रूप में ले लिया, तो आपका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत निखरेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल अशोक कुवाल मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली आपके आम जीवन से जुड़ी हुई उन छोटी छोटी बातों को लेकर आपको अवगत करवाता हूं जो आपके जीवन में ऊर्जा तो भरती है, साथ में आपका व्यक्तित्व भी उन बातों से निखरता है, यदि आप अपने जीवन में उन बातों को अपना लेते हैं तो। साथियों, मैं कोई बनावटी बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली वो बातें करता हूं जो वास्तव में हमारे जीवन को निखार सकती है और कहीं ना कहीं हमें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकती है। साथियों, पहली टिप्स बता रहा हूं, उस टिप्स को बहुत ध्यान से इन टिप्स को सुनना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। पहली टिप्स है खुलकर हंसें। जरा सोचो कि इस कोरोना काल में हमने कितने गम देखे हैं,
कितने दुख देखे हैं, हम हंसना ही भूल गए हैं, हमारी हंसी पता नहीं कहां गुम हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, इस साल ये तय कर लें कि आपको जमकर हंसना है, खुलकर हंसना है। साथियों, हंसी है जो आपके चेहरे की सुंदरता को, आपके चेहरे की पॉजिटिविटी को शो करती है। लोग आपके चेहरे की हंसी को देखकर, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर इतने मन मोहित हो जाएं कि आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो जाएं। साथियों, अपनी खुशियों का इजहार करने की यह सबसे बड़ी टेक्निक है कि आप हमेशा सदा मुस्कुराते रहें। साथियों, जी भरकर हंसें, जी भरकर मुस्कुराएं, कभी भी हंसी आपको नुकसान में नहीं डाल सकती। साथियों, आप जितना ज्यादा हंसोगे, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, आप जितना ज्यादा हंसोगे उतने ही आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर उतनी एनर्जी आएगी और वो आपका ज्यादा काम करेंगे। हंसने से आपके माइंड की मेमोरी भी बढ़ती है, माइंड कैपेसिटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं किसी चीज को आपका फोकस डालने की एकाग्रता बढ़ती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी इस हंसी को अपने चेहरे का वो गहना बना लें और उस गहने को हमेशा पहने रहिए, हमेशा पहने रहिए। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत को, आपके घर में हो, बाहर हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, ऑफिस में हो, जहां चाहो वहां इस आप गहने को, इस आपकी खुशी को अपने चेहरे पर बना के रखें। यह अपनी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बना लें, क्योंकि यह जो खुशी है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी तो देगी ही देगी और साथ में आपकी हर उस समस्याओं को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी देगी। कोई सी भी समस्या हो, खुशी खुशी हर समस्या का सामना करें, आपकी आधी परेशानी तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। माय डियर, कितना भी तकलीफ से भरा समय हो, आप अपनी हंसी, हंसने के बहाने तलाशते रहें। यदि आप हंसते रहेंगे तो वो परेशानी भी अपने घुटने टेक देगी आपके सामने। खुद भी मुस्कुराहटों का स्वागत करें और दूसरों को भी इस ऐसी ही जिंदा दिली से जोड़ें। माय डियर फ्रेंड्स, ये हंसी अपना एक अपने आप में बहुत बड़ा गहना है और इस गहने से बहुत लोग वंचित हैं। ये गहना हर किसी के पास नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों को सुनकर यदि आप भी अपने चेहरे पर इस मुस्कुराहट को, इस हंसी को बना लेते हो, इस गहने को पहन लेते हो, तो मुझे भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होगी और बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। दूसरी टिप्स है विनम्र व्यवहार। साथियों, व्यवहार की सहजता और विनम्रता अपने हो या पराए हो, सभी के दिलों में जगह बना सकती है। विनम्र और सहज बर्ताव आपको घर में ही नहीं, आपको कहीं पे भी, ऑफिस में हो, बाहर हो या अनजान जगह हो, आपको सभी का चहेता बना सकती है। छोटे हो या बड़े हो, सभी के दिल में आपके लिए मान सम्मान स्नेह जगा सकती है। याद रखिए कि व्यवहार की विनम्रता आपसे कुछ नहीं लेती, मगर आपको सब कुछ दे सकती है। दिखावे से भरी इस दुनिया में सहजता और सादगी भरा व्यवहार आपकी पर्सनालिटी की बड़ी खासियत बन सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को कुशल रखें, विनम्रता बनाए रखें। चाहे कितनी भी बड़ी से परेशानी ना हो, आप अपनी विनम्रता को ना खोएं, कभी भी क्रोध में आकर किसी को भी कड़े शब्द ना बोलें। माय डियर फ्रेंड्स, किसी के दिल को दुखा सकता है, हो सकता है कि सामने वाले से आप बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी आप उनको केवल उनकी परेशानी में, आप ज्यादा उनकी परेशानी ना बढ़ाएं और खुद भी परेशान ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध में आप सामने वाले को तो दुख पहुंचाते ही पहुंचाते हो और खुद का भी बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होते हो। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा कुशल और विनम्र रखें, इससे आप लोगों के दिलों में अपने प्रति जगह बना पाओगे। तीसरी टिप्स है वर्तमान में जिए। माय डियर, ये बहुत ही आम सी बात है। आप यदि व्यवहारिक रूप से देखें तो ये बहुत खास हो जाती है कि वर्तमान में जिए। हर आदमी यही कहता है, यार हम वर्तमान में ही तो जी रहे हैं।
लेकिन आप ये देखो कि आप फिजिकली रूप से वर्तमान में हो, आप मेंटली रूप से भी वर्तमान में होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी पास्ट की समस्याओं को लेकर, पास्ट के दुखों को, गमों को, कदमों को लेकर हम दुखी हो जाते हैं और आगे दुखी और क्रोधित होते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे को फ्यूचर की चिंता सताती रहती है, हमारा भविष्य को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं। तो उसके चक्कर में, ये पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हम हमारा प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। माय डियर, हर पल हर क्षण बहुत कीमती होता है, बहुत ही कीमती होता है। हमें हमारे वर्तमान में जीना आना चाहिए। बहुत लोग हैं जो इस कस्म करी जिंदगी में जो पास्ट और फ्यूचर के जो कस्म कस्मे अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं, अपने प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं ज्यादातर अपने घर के सदस्यों के बारे में सोचते सोचते ऐसी चिंताओं में घिर जाती है कि कल क्या होगा। ये ऐसी चिंताएं अक्सर होती रहती है, मैक्सिमम लोगों में ये डिप्रेशन का कारण बन जाती है और कहीं ना कहीं इन डिप्रेशन के कारण ही लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए इतनी कोशिश करो कि आप अपने वर्तमान में जिए। साथियों, जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है। ये तय कर लें कि आप ना तो पास्ट की चिंता करेंगे ना ही भविष्य की चिंता करेंगे। आप अपने आज को संवारें और अपने आज को संवारने की ही कोशिश करें और हर पल को एक आखिरी पल की तरह जिएं। आपका देखना फ्यूचर कितना जबरदस्त और कितना खुशहाल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात का हमेशा और ध्यान रखना कि ये जो आपका वर्तमान में जीना, ये टेक्निक यदि आपने सीख ली तो आपका पास्ट भी और आपका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपको सुगति अनुभव देगा। यह आप अपना प्रैक्टिकल करके देख लेना। चौथी टिप्स है माय डियर, सामाजिक जुड़ाव। साथियों, महिलाओं के लिए घर परिवार ही नहीं, सामाजिक सरोकार से भी जुड़ना बहुत जरूरी होता है। यह जुड़ाव आपको सामाजिक और मुखर बनाता है। यह सक्रियता आपको अपने परिवेश के लिए जागरूक करती है, निजी स्तर पर भी समाधान की राह सुझाती है। कोई भी परेशानी हो, यदि आपके अंदर सामाजिक जुड़ाव है तो आपके अंदर इतना डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि लोगों से आप अपनी परेशानियों को कंसल्ट कर सकते हो। एक दूसरे से बात करके आप अपनी परेशानियों को दूसरों को पीड़ा सुना सकते हो, दूसरे आपको उनका रास्ता सुझा सकते हैं। इसलिए सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों, हम जिस सोशल नेटवर्क में रह रहे हैं वो सोशल नेटवर्क में एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। पांच टिप्स बता रहा हूं कि दूसरों के मन की सुने। साथियों, आप खुद के मन की तो सुने ही सुने, साथ में दूसरों की भी सुने। हर किसी के आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा फील होता है कि यार कोई हमारे दिल की बात सुनता ही नहीं है। लोगों के पास इस बात का भी अभाव रहता है कि वो आखिर अपने दिल की बात किससे कहें। साथियों, हम अपनी कहना ही नहीं भूलें, किसी की सुनना भी बहुत जरूरी है। किसी के सुनना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, कम्युनिकेशन की यह कमी हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरी ला रही है। पूरे सोशल माहौल में साथियों इस चीज की बहुत ही कमी होती जा रही है। धीरे धीरे हमारा जो सामाजिक बदलाव वो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन में डालता जा रहा है। साथियों, पहले लोग एक दूसरे के साथ बातें करके अपनी खुशियों को, अपने गमों को एक दूसरे के साथ शेयर करके जिया करते थे। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास वक्त ही नहीं है कि कोई किसी की सुन सके। साथियों, आपको अपनी तो सुननी ही है, साथ में दूसरों की भी सुननी है। और किसी की भी सुनकर, किसी की भी मन की पीड़ा की या मन के दर्द की आपको मजाक नहीं उड़ानी है। आप सीरियसली उनकी बातें सुने और यदि कोई सुझाव, अच्छा सुझाव आपके पास है तो सुझाव करें, अदरवाइज नहीं है तो उनकी पीड़ाओं का आप मजाक ना बनाएं। दूसरों की सुने, मन की सुने साथियों, और उससे आपकी दिल की गहराइयों का पता लगता है, दूसरे के प्रति आपकी दरिया दिली का पता लगता है और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आपके प्रति जगह बनेगी। छठी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनसे दूर रहें।
साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले साल घर बैठे लोग ज्यादातर लोग यही कर रहे थे कि घर बैठ के या तो टीवी देख रहे थे या कोई लैपटॉप के सामने लगे हुए थे, कोई मोबाइल के सामने लगा हुआ था, कहीं ना कहीं गैजेट से ही अपना टाइम पास कर रहे थे। साथियों, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने बाल बच्चों के साथ में समय बिताएं। ये गैजेट्स पे, स्क्रीन पे यदि ज्यादा आप नजरें गड़ोए रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नजरें तो कमजोर होगी, आपकी मेमोरी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए इस गैजेट्स के माया जाल से थोड़ा बाहर निकलें। स्मार्टफोन हो या सोशल मीडिया हो, सबसे जुड़कर खुद से छूट जाने के लिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। तय कर लें कि दिन भर आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहने के बजाय आप उसका एक टाइम तय करें, उसका एक टाइम फिक्स करें कि मुझे 2 घंटे मोबाइल के साथ बिताने हैं या लैपटॉप के साथ बिताने हैं और बाकी टाइम मुझे स्क्रीन से दूर रहना है। साथियों, हो सकता है आपका स्क्रीन से जुड़ा हुआ ही काम हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप स्क्रीन से हटकर कहीं ना कहीं नेचर की तरफ भी देखें, कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ भी देखें, कहीं ना कहीं हरियाली की तरफ देखें, गार्डन में घूमने जाएं। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और आपकी आंखों की तेजी भी बढ़ेगी, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इन गैजेट्स से दूर रहें, सोशल साइट्स से संभव जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाकर रखें। और सातवीं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टिप्स है, वो सातवीं टिप्स है, अपनी सेहत को संभालें। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और वास्तव में ये प्रैक्टिकल भी है। यदि आपकी काया निरोगी रहेगी तो आपके दिमाग में एक अच्छे अच्छे विचार आएंगे और उन विचारों को आप सींच सकते हैं, पानी दे सकते हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं से ऊपर रखें। बेहतर कदम तभी उठा सकते हैं आप अपने जीवन में जब आप अपने सेहत के मोर्चे को अच्छी तरह संभाल रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों में स्ट्रेस, वजन बढ़ना, अकेलापन, डिप्रेशन अक्सर लोगों में देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं आपके सेहत से जुड़े हुए भी कारण हो सकते हैं। नियमित व्यायाम करना, खान पान करना, मेडिकल चेकअप और इन चीजों को आप समय समय पर अपने प्रति देखते रहें। साथियों, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी की देखरेख करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपने इस बॉडी की देखरेख नहीं की तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी जवाब दे जाएगी और फिर आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, फिर ये वापस काम नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस जो नए साल के अंदर आप इन सातों टिप्स को अपनी आदत के रूप में बनाकर आप अपनी बेहतर जिंदगी बना पाएंगे। और कहीं ना कहीं यदि एक भी आदमी मेरी इन बातों को सुनकर अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव करता है तो साथियों, मैं अपने आप में बहुत बड़ी सफलता मानूंगा अपने आप की। साथियों, इसी के साथ मैं 4 लाइनों के साथ मैं आपसे अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि हर कोई करने लगे प्यार, कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग तरसते रहें आपकी, एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहें। इसलिए साथियों, खुलकर हंसे, अपने व्यवहार को विनम्र रखें और वर्तमान में जिए, सामाजिक जुड़ाव से रहें, लोगों से कम्युनिकेट करते रहें और दूसरों के मन की बातों को सुने और किसी के भी मन की बातों का, मन के दर्द का किसी की भी मजाक ना उड़ाएं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से दूर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लेकिन साथियों, आप रिश्तों में दूरियां मत बनाओ, दिलों में जगह होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनोगे, समझोगे और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करोगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहते हैं और ऐसी ही कुछ जीवन से जुड़ी हुई टिप्स हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंटों के बहुत ही स्वागत करूंगा। धन्यवाद।